नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और सुनाओ, कोई नई ताजा? आज की जो वीडियो है वो स्पेशल UMT के ऊपर है। आप बोल रहे होंगे कि UMT, तीन चार वीडियो UMT के ऊपर आ गई, लेकिन क्या करूं मैं? कुछ लोगों के सवाल थे, कमेंट थे कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हो रहा। कुछ बोल रहे हैं कि भाई MRT से 6A करके दिखाओ या कुछ। तो मैं फ्री था आज, मतलब कुछ वैसे फ्री था, और मैंने चेक किया मैं कि चलो यार वीडियो ही बना देते हैं। देखो, ये है UMT डोंगल, और जो ये UMT डोंगल है विंडो 10 में अच्छे से वर्क कर रहा, लेकिन विंडो 7 में नॉट वर्क कर रहा। विंडो 7 में क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक नया ड्राइवर आया, लिवी USB ड्राइवर, ठीक है। तो वो ड्राइवर जब तक उसके PC के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो ये UMT 3.8 वर्जन ओपन नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि भाई अब UMT अब ब्लॉक नहीं होंगे, ठीक है। आप चाहे सीरियल नंबर किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, अब UMT ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आ चुका है। और जिनके हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अब नया कोई कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। अब अगर कोई आज से गिनती में लगाए तो वो आज से ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जो क्यूशिफायर है और आपका जो MTK 3.8 है वो भी, क्योंकि जो अभी UMT ने अभी जो नए सेटअप लॉन्च किए हैं उनमें अपना मतलब एक प्रोग्रामिंग ये सेट किया कि भाई आप जब भी अगर सोच रहे हो कि हम UMT को किसी को शेयर कर दें तो वो शेयर नहीं होगा, ना ओपन हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जो ये डोंगल है UMT डोंगल, अब अगर आपको अपने PC के अंदर चलाना है तो पहले USB ड्राइवर एक होता लिवी, वो डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा जब होगा, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो है एक टीम व्यूअर से, एक भाई की मैंने हेल्प की थी, उनका चल नहीं रहा था। इस ये पूरा देखो, ये मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये किया पिल्ले। अब देखो मैं ओपन करता हूँ, अगर किसी भाई के में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है इस पर, देखो लिबी USB ड्राइव के लिए बोल रहा है, ड्राइवर जो इंस्टॉल होता वो इंस्टॉल करना आपको, ठीक है। मिसिंग फॉर यू कंप्यूटर, ठीक है, स्पेशल इस पर लिखा हुआ, थोड़ी मेरी इंग्लिश ऐसी है, देख लेना। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो ड्राइवर का लिंक मैं आपको बताऊँगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये आपको करना है, और चलो इसे पहले पुसी रहने देता हूँ, इसे कर देता हूँ मिनिमाइज। आपको ड्राइवर चाहिए, तो भाई ड्राइवर ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ जाओगे तो ये इंस्टॉल कैसे करना है ये सारी चीज़ें, और UMT लूँ या UMT प्रो इसमें सारा मेंशन कर रखा, और UMT सपोर्ट ये डाउनलोड कर लो अगर नहीं है तो, ठीक है। और जो लिबी USB ड्राइव है जो ये 32 बिट के लिए विंडो 7 में मतलब चलेगा दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपको, ठीक है। और किसी भाई के पास UMT मल्टी टूल MTK 3.8 वर्जन नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये मेरी वेबसाइट है, इस पर जाके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से हो गया, और देखो जब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये मिसिंग दिखा रहा था कार्ड, ठीक है। तो ये मिसिंग था, तो मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले इसे ओके किया। ओके करने के बाद में यहाँ मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया, ड्राइवर की वीडियो बना के मतलब स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर कर रखा, तो मैं इसे यहाँ कट कट कर कट कट, ये इंस्टॉल हो रहा, ये मतलब डाउनलोड हो रहा। अब डाउनलोड करके इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, सिंपल सा इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे काट भी सकते हो। जब इंस्टॉल हुआ था ये पूरा हो चुका है, इस पर क्लिक करके USB पे कॉम पोर्ट लगा के ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें मेंशन है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बोलते तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चला के इसे कर देता हूँ, अब इसमें चल ही रहा स्क्रीन रिकॉर्डर और करना ही क्या, ठीक है। चलो कोई रहने दो, इसे स्क्रीन रिकॉर्डर को नहीं लगाऊंगा फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सिंपल सा इसे करके यहाँ से क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद ये देखो 3.8 है, ओपन करता हूँ, एक ही क्लिक में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये ओपन हो गया। 3.8 वर्जन आप देख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। अब बस एक भी ये एक
एक प्रॉब्लम ये थी, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्टॉल क्यों नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। ठीक है, अब आपके डोंगल ब्लॉक क्यों ब्लॉक क्यों नहीं होंगे, इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आपके पीसी के अंदर एक फ्लेक्स हब और एक यूएसबी डायरेक्टर होता। उन सॉफ्टवेयरों को जब आपको ज़रूरत हो जब रखो, वरना मत रखो। फ्लेक्स हब सैमसंग की एफआरपी के लिए होता है स्पेशली। अब सैमसंग का जब भी कोई फ़ोन आपको ऑनलाइन कराना है तो वो फ्लेक्स हब इंस्टॉल करो और हैंड टू हैंड एफआरपी बाईपास कराओ ऑनलाइन और करा के उसे इंस्टॉल कर दो बस। जब तक अगर आपके पीसी में फ्लेक्स हब और यूएसबी डायरेक्टर रहेगा तो आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, एरर देता रहेगा, आपको एरर आता रहेगा इसमें। ठीक है, वो 13 या 15 आ जाएगा और उसमें बोल देगा। ठीक है, ये चीज़ तो यूएमटी का हो चुका है, ये ब्लॉक इस वजह से नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, और ये है हमारा एमआरटी। इस एमआरटी का आपको चला के दिखाता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, और शायद एमआरटी मैंने ओपन कर रखा पहले, इसे क्लोज कर देता हूँ और ये 3.77 इसे ओपन करता हूँ। भाई मैं जितना भी सोचता हूँ ना कि वीडियो शॉर्ट करूँ पर क्या करूँ, मेरा मैटर ही ऐसा, वो शॉर्ट नहीं हो पाता और नहीं मैं कर पाता। और जितनी बड़ी वीडियो होती है तो होती है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि छोटी हो वीडियो, लेकिन नहीं। और जो जो भाई विनर हुए हैं वो मेरे को कॉन्टैक्ट करें और अपना गिफ्ट ले लें। ठीक है भाई, जो भी अपना एड्रेस मेंशन कर दें, आप सबसे जितने भाई भी हैं सबसे कुरियर सर्विस चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि यार कुरियर चार्ज तो देना पड़ेगा, उसमें पैकिंग वगैरह वगैरह करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है हमें। ठीक है, और एमआरटी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई जब तक आपके पीसी के अंदर नेट ओपन नहीं रहेगा, मतलब नेट अच्छे तरीका से वर्क नहीं करेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना एमआरटी ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, और आपके पास यूएमटी डोंगल है, आपके पास 2, 3, 4 कितने भी पीसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आप एक पीसी में चलाओ या 2 PC में चलाओ या 3 PC में चलाओ, सब में चलेगा। हम शेयर नहीं कर रहे, अगर शेयर करते हम इसे तो हमारा ये ब्लॉक होता, तो इस वजह से अब ये ब्लॉक नहीं होगा, हम अपने पीसी में यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसा रूल निकालती है कि भाई हम सिस्टम बाय सिस्टम भी वो करेंगे, तो ये गलत है और नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी चलो देखो, मेरा नेट की प्रॉब्लम हो ही रही है, मेरे यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है यार, अच्छे से स्पीड नहीं आती, नेट नहीं चलता, बहुत परेशानी होती है मुझे। ठीक है, अब देखो जब तक नेट नहीं चलेगा ना अच्छे से तो ये मेरा ओपन भी नहीं होगा एमआरटी। एक बार जल्दी से हो जाए यार। ये लो अब जाके ऑन हुआ स्पीड आई होगी अभी। ठीक है, यहाँ देखो Xiaomi जाके यहाँ आपको मॉडल सेलेक्ट करना, Redmi 6A ये रहा। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो FRP के लिए, एक MI अकाउंट के लिए। तो MI अकाउंट के लिए जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, इस पर किया और स्टार्ट बटन दबाया, और ये जो मेरा फ़ोन है ये वाला, ठीक है, ये फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ मैं अपने को। और इसको सिंपल सा ये प्लस और माइनस बटन दबा के कनेक्ट कर देना। ये देखो ऑल डन हो चुका है इसमें। MRT का अच्छा लगा मुझे, उसमें UMT की तरह और डिसेबल ऑथ फाइल पे वो नहीं करना पड़ता, और बाकी ये सारी चीज़ इसमें मेंशन हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखो एक ही क्लिक में FRP आपका MI अकाउंट अनलॉक हो चुका है। ठीक है, पहले इसमें MI अकाउंट तो डिसेबल ही है, पर बाकी मैंने ये आपको सिंपल सा करके दिखाया इसमें कैसे कैसे वो सारी चीज़ मेंशन कर दी है मैंने। ठीक है, और यही अपडेट आपको बताना था, दिखाना था। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई MRT से करके दिखा दो या वैसे करके दिखा दो, वो वीडियो मैंने कि चलो यार टाइम है, मैंने बना के दे दी आपको, दिखा दिया। इसमें सारी चीज़ ऐसे ही होती है नॉर्मली, और कुछ भी इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है,
और अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे फेस के साथ में। और अभी चलो आज की वीडियो को इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं, वो सारी चीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है।